आज हम लोग समझेंगे बायोगैस के बारे में, जिसमें सबसे पहले समझेंगे बायोगैस प्लांट की वर्किंग, इसके बाद बायो एनर्जी, डाइजेस्टर प्रोसेस, लास्ट में इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायोगैस कैसे प्राप्त होती है। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे बायोगैस के बारे में, तो कुछ लाइनें यहां पर मैंने लिख रखी हैं, ये सेम की सेम लिख सकते हैं, या फिर इनको समझ के आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहां पर मैं इन्हीं लाइनों को सबसे पहले समझा रहा हूं कि बायोगैस कैसे प्राप्त होती है। जो बायोगैस होती है वह गोबर एवं अन्य प्रकार के वनस्पति कृषि अवशेष को सड़ाने से प्राप्त होती है। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुने। जो गोबर होता है या फिर जो अन्य वेस्टेज निकलता है, खासकर जो नगर निगम की गाड़ी आती है लेने हमारे घरों में, हमारी गलियों में, इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जो पेड़ पौधों से गिरता है, या जो हम खेती किसानी करती है जो अवशेष रह जाता है, या जो हमारा खाना बचता है उसको हम लोग फेंकते हैं सड़ा गला, इन सब को सड़ाने से हमें क्या प्राप्त होती है, बायो गैस प्राप्त होती है। अब जो सड़ाने की पूरी प्रोसेस होती है, उस दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कैसी रहती है, वहां पर अनुपस्थित रहती, मतलब वहां पर प्रेजेंट नहीं रहती है। तो ये भी आप पॉइंट बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि जो वेस्टेज है उसको सड़ाते समय वहां पर कौन सी गैस नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती है। लेकिन कुछ गैसों के बारे में हमें जानना जरूरी है इस प्रोसेस के दौरान। तो जो गोबर गैस है इसमें क्या होता है, मीथेन गैस के अलावा कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एवं पानी आदि पाए जाते हैं, जिसमें केवल जो मीथेन गैस है यह कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। तो यदि आपसे कोई बोलता है कि बायोगैस के बारे में कुछ लिखिए लिखिए, तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने यहां पर समझा दी है। हम जो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं उसमें बहुत सारी डिटेल्स में और लिख देते हैं, तो वहां पर पढ़ के और आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ बायोगैस के बारे में पूछा जाता है तो आप बायोगैस को इतना ही लिख दें तो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद जो मैं डायग्राम के थ्रू इसकी पूरी वर्किंग समझाने वाला हूं, वो डायग्राम बना के आएंगे, और जो मैं समझाऊंगा उसकी वर्किंग वो भी आप लिख कर आएंगे। तो 3 से 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को विथ वर्किंग समझते हैं। तो यहां पर इस डायग्राम को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। एक्चुअल में हम देखें तो जो बायोगैस प्लांट है कुछ इस तरह का होता है, जो आपको यहां पर दिख रहा है डोम के आकार का। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखने के लिए हो गया कि कई बार दिखता है तो हमें पता रहे कि ये बायोगैस प्लांट है। हमें इस डायग्राम को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि इसी को एग्जाम में बनाना है और इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं, ये जो इस तरह का आकार का बना हुआ है ये आपको दिख रहा है, इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सिंग टैंक बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, जो हमने आपको अभी कुछ नाम बताए थे वेस्टेज के, जैसे कि गोबर हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, जो हमारा कचरा निकलता वो हो गया, इस तरह की जो वेस्टेज है वह क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स का वेस्टेज आता है वह सब का सब क्या होता है, यहां पर मिक्स होता है। क्या ऊपर होता है, यहां पर मिक्स होता है। फिर इसके साथ एक लगा रहता है इनलेट पाइप। क्या होता है, इनलेट पाइप, इसको बोलते हैं हम इनलेट पाइप, जिसके थ्रू जो भी यहां पर वेस्टेज मिक्स होता है वह जाता है यहां पर, इसको बोलते हैं हम इनलेट टैंक। क्या बोलते हैं, इनलेट टैंक। इनलेट टैंक में जाता है, इसमें इनलेट टैंक में जाता है, या डाइजेस्टर टैंक भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा ऊपर एक गैस होल्डर टैंक लगा रहता है, जिसमें जो हमारी गैस बनती है वो कहां जाएगी, इसके अंदर जाएगी। इसके ऊपर एक क्या, बायोगैस आउटलेट लगा रहता है, कि जहां से हम गैस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर मिक्सर आ रहा है वह ओवरफ्लो होने के बाद कहां जाता है, आउटलेट यहां पर लगा। इस पाइप को अगर हम नाम लिख दें तो क्या लिखेंगे, आउटलेट पाइप।
आउटलेट पाइप, जिससे जाके ये जो आउटलेट टैंक लिखा इसमें जाता, कब जब ओवरफ्लो होने लगता है धीमे धीमे यहां से चला जाता। तो ये तो जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं उनका मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया कि किसका यहां पर क्या फंक्शन है। लेकिन जो डाइजेस्टर टैंक है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन होती है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो डाइजेस्टर टैंक है ये इंपॉर्टेंट भाग भी होता है, क्योंकि इसी के अंदर पूरी केमिकल प्रोसेस होती है, तभी ये गैस हमारी बनती है। तो इसके लिए कुछ डाटा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बायोमास का वॉल्यूम देखा जाता है इसको बनाने के लिए। फिर हमारे क्या है जो डाइजेशन टाइम है कि ये कितने समय में गलेगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कुछ समय में गल जाता है, ये कोई मशीन चलती इसमें, ये एक महीने दो महीने तीन महीने इस तरह टाइम लेता है, 45 दिन मिनिमम ले लेता है। तब ये जाके क्या होता है जो यहाँ पर हम वेस्टेज डाल रहे हैं वह गलता है, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसको इस तरह बंद कर दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है। तो इसके क्या होता है प्रोसेस के लिए टाइम फिक्स होता है कि लगभग इतना समय ले लेगा, इससे कम नहीं लेगा। इसके अलावा वहाँ की जो आसपास का क्लाइमेट है उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो वाटर लेवल है उस पर डिपेंड करता है, इसके अंदर हम वाटर भी रहता है, और जो डोम का शेप है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो ढक्कन लगा रहता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जो ढक्कन लगा है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन होती है जब इसको बनाया जाता है। तो हमें इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, जो डाइजेस्टर प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है ये हमें लिखना पड़ेगा। यदि डाइजेस्टर प्रोसेस के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है इसको अकेले समझाइए, तो यदि आप हमारी पीडीएफ से स्टडी कर रहे हैं या जो वीडियो कोर्स से स्टडी करते हैं एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, तो वहां पर मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें स्पेशल डाइजेस्टर के बारे में भी लिख दूंगा, जिससे आप उसको पढ़ के यदि क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशल या शॉर्ट नोट लिखने को आता तो आप लोग उसके बारे में लिख सकें। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसा समझते आ रहे हैं कि जो वेस्ट है उसको मिक्सिंग टैंक यहाँ पर लिखा है इसके अंदर मिक्स किया था। मिक्सिंग में क्या होता है, जो हम मिक्स करते हैं क्या होता है यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सण होता है, मतलब सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड का मिक्सण होता है, इन दोनों का मिक्सर होते उसे हम क्या बोलते हैं सिलरी बोलते हैं, क्या बोलते सिलरी बोलते हैं। तो ये जो सिलरी है वह इनलेट पाइप के थ्रू कहाँ जाता है डाइजेस्टर टैंक में जाता है, या हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो मैक्सिमम आप सुनेंगे तो जो गोबर है उसका घोल बनाया जाता है, गोबर का घोल बनाया जाता है पानी को मिला के। वह घोल क्या होता है और भी वेस्टेज होते सब मिक्स होके कहाँ जाते हैं डाइजेस्टर टैंक में जाते हैं। यहां पर क्या होता है वह जो वेस्टेज है ये हम बोल सकते हैं सिलरी है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वह जब उसी के अंदर क्या करते हैं उसके बैक्टीरिया उसको भोजन के रूप में लेते हैं, मतलब वह भोजन के रूप में लेने का मतलब वह सड़ने लगता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वह सड़ते सड़ते वह उसी को खाने लगते हैं। वो धीमे धीमे क्या होती है सड़ते सड़ते जो समय लेता है, जैसे मैंने कहा 45 डे हो सकते हैं, दो महीने भी हो सकते हैं, तीन महीने, ये तो जो यहां पर हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिनों में पूरी तरह सड़ता है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, कौन सी होती है मीथेन गैस बनती है, जो यहां पर ऊपर गैस होल्डर टैंक में स्टोरेज होने लगती है। वो मीथेन गैस मैंने स्टार्टिंग बता दी कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, और उस मीथेन गैस का हम लोग क्या करते हैं बायोगैस के रूप में ऊपर कहाँ आती है आउटलेट में आती है, और इसका उपयोग हम बहुत सारी जगह करते हैं, जैसे हम कुकिंग के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए बोलते हैं जैसे, हम रोशनी के लिए करते हैं, इसे मतलब जो बल्ब वगैरह जलाते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करते हैं उसका उपयोग हम लोग, इसके अलावा फ्यूल के रूप में बहुत सारी जगह इसका हम उपयोग करते हैं। अब यहां पर क्या होता है जी कंटिन्यू यहां से हम लोग क्या भेज रहे हैं जो क्या वो जो सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन भेज रहे हैं मिक्स करके यहां पर वेस्ट मटेरियल का, वह यहां पर टैंक में धीमे धीमे क्या हो रहा है उसको सड़ रहा है और क्या हुआ धीमे धीमे ओवरफ्लो होगा, तो जब ओवरफ्लो होगा तो इस आउटलेट के जरिए हुआ कहां से यहां से इस टैंक में निकाल लिया जाता है या आता है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये ओवरफ्लो होता है वो कहाँ ऊपर आता रहता है इधर आ जाता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह बंद कर दिया गया
और इधर क्या होगा फ्लू टाइप का, इस तरह का आपको दिख रहा होगा ये बना हुआ है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है, और जैसा मटेरियल सड़ता धीमे सड़ता रहता है और हमें जो भी गैस के रूप में यहाँ पर प्राप्त होती है। कई जगह तो देखते हैं आप जो बल्ब वगैरह जलते रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, बहुत सारे गाँव में देखा होगा आपने, वो बायोगैस प्लांट से ही संभव होता है। तो इसकी प्रोसेस आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। लेकिन आपको ऐसे भी समझ में आ गई कि इसको कैसे समझाना है तो भी आप समझा सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट भाग को समझते हैं। अब ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता कई बार कि बायो एनर्जी क्या होती है। तो जो हमें गैस मिल रही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, हम लोग खाना पका रहे हैं, एक एक इसके रूप में यूज कर रहे हैं, एक एनर्जी के रूप में, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। एक किस टाइप की एनर्जी होती है, ये होती है रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको सड़ा गलाकर जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी बोलते हैं। और इससे किसी भी प्रकार की कार्बन की मात्रा जो रहती है, क्योंकि ये सड़ा गला रहे हम लोग, तो वह नहीं फैलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बिल्कुल नहीं बढ़ती है। क्या समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी इससे बिल्कुल नहीं बढ़ती है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि बायो एनर्जी क्या होती है। जो इस प्रोसेस से हमें गैस मिलती है, जिस गैस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, बायो एनर्जी बोलते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कई बार डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछ लेते हैं, तो आप एप्लीकेशन के बारे में जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ बीच बीच में, उसके बारे में फिर से लिख सकते हैं कि बायोगैस जो सिस्टम है उससे घरों में हम क्या स्पेस हीटिंग की जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर है इसको जनरेट कर सकते हैं हम इसके थ्रू, और जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें हम स्टीम्स प्रोड्यूस करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा डोमेस्टिक फ्यूल है इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जो खाना वाना पकाने के रूप में। तो कुछ यहाँ पर हमने एप्लीकेशन लिख दिए, इनको आप सेम का सेम एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। या जो हम लोग बीच बीच में बात कर रहे थे कि ये जो हम गैस का उत्पादन कर रहे हैं इसका कहाँ पर यूज होना है, तो मैंने खाना बनाने के लिए बताया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बताया था, इस तरह जो हमने और स्टीम के यूज के लिए बताया था, इससे जो गैस है उसका स्टीम के रूप में भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इसके यूज है पर्टिकुलर, जो हम लोग गैस यहाँ पर सड़ा गलाकर जो उत्पन्न कर रहे हैं, उस गैस को जहाँ जहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं वही क्या कहलाती है, एप्लीकेशन कहलाती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जो यहाँ पर लिखी है सेम का सेम छाप कर आ जाएंगे तो भी चलेगा। उम्मीद है समझ चुके होंगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स।